शिवराज कैबिनेट बैठक में चार सिंचाई परियोजनाएं मंजूर। समुदाय शिक्षक अध्यापक संवर्ग में होंगे शामिल। राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं को कोचिंग का सरकार देगी खर्चा। उमरिया में स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव भी किया गया पास। रमन कैबिनेट में अटल जी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित। अटल नगर से जाना जाएगा नया रायपुर। सभी जगह डेंगू का होगा फ्री इलाज। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन को भी मंजूरी। योगी कैबिनेट की बैठक में 9 अहम प्रस्ताव पास। अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि। कमलनाथ ने की पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। कहा सालों से युवाओं के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू। विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। 23 अगस्त से सत्र का होगा आगाज। जेसीपी जय सुप्रीमो अजीत जोगी का विजय रथ पूरी तरह से तैयार। बिखरे अमृत ने मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। 23 अगस्त से विजय रथ के पहले चरण का होगा आगाज। मंदसौर में मासूम से गैंगरेप मामले में आज आ सकता है फैसला। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को माना है दोषी। 26 जून को बच्ची का अपहरण कर की थी दरिंदगी। जबलपुर में जीआरपी ने अजय ताम्रकर नाम के युवक से 11,60,000 रूपये के किए जब्त। कटनी से दिल्ली जा रहा था हवाले का पैसा। पुलिस को बड़े कारोबारियों के नाम सामने आने की भी उम्मीद। भोपाल में तेज बारिश से मकान की दीवार गिरने से महिला समेत 2 बच्चों की मौत। पिता गंभीर रूप से घायल। कलेक्टर ने 4,00,000 रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगह बारिश से जनजीवन प्रभावित। भोपाल में बारिश के दौरान नाले में बहा बच्चा ढूंढने का काम अब भी जारी।